डोबो बोलता है तुम बाढ़ में जाओ, तुम दो फुंदर के लिए फाइनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि डोबो ऐसे फालतू फर्नीचर घटिया खटारा कार के लिए। तू क्या कर रहा है? अपनी जबान को लगाम दे, चल दिखाता हूँ तुझे। देख देख, स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रिपल हॉर्स पावर नाइट्रो जेट इंजन कॉन्सेप्ट कार। टोबू बोलता है बाकी की गाड़ियां कहाँ है? टोबू ये सब खूबियां एक ही गाड़ी में है रे। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, लोग फॉर्मूला कार बनाते हैं, मैंने कार में फॉर्मूला बनाया। ये देख, नाइट्रो एक्सेलरेशन जूम बटन, इसको दबाते इस गाड़ी की स्पीड तेरी गन की गोली से ज्यादा हो जाएगी। टोबू ये कार एक मिसाल है और स्पीड में मिसाइल है, इसको रेस में उतार देगा ना तो ये नोट छापने की मशीन है, मशीन। देखा गोली, सुन के तेरा बॉस कैसे एक्साइटमेंट में डांस कर रहा है। सर से लेके पांव पांव। कैसी हो मेरी? ऐसी ही है। ऐसे ही रहना। मेरी कौन है? चौटाला जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते चौटाला जी, कैसे हैं आप? प्रसाद लीजिए जी। वाह, दिल खुश हो गया। इसलिए धर्म साहब को हमेशा बोलूं कि फैमिली में फैमिली कपूर्स फैमिली है जी। वीर कहाँ है? वीर चौटाला जी आए हैं। ये लीजिए भाभी जी, पॉकेट मनी धर्म साहब की तरफ से, पूरे लाख हैं। और बताइए भैया, अफ्रीका में ही हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं? अफ्रीका में ही है जी, आज तड़के तो अस्पताल में थे। हाँ? क्या क्या हुआ भैया को? ना 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 ना, धर्म साहब को कुछ ना हुआ। दरअसल उनके एक एम्प्लॉय ने झूठ बोल के उनसे लोन लिया। बोला कि बहन की शादी करनी है, दरअसल उसे अपनी नाक की सर्जरी करवानी थी, नोज जॉब। धर्म साहब को पता चल गया, उसकी नाक ही तोड़ दी। अब क्या बोलूं, और फिर खुद ही उसको अस्पताल लेके गए। हाँ, अब चलिए, हमारा वक्त हो रहा है। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। जाऊं? जाएंगे नहीं तो नेक्स्ट मंथ आएंगे कैसे? यो बात भी सही है, टाटा। वो गुम, सर सर आप अपनी नाक का इंश्योरेंस करवा लो। क्यों? सुने नहीं, आपका झूठ पकड़ी जाएंगे तो आपका भाई आपके नाक का चटनी कर देंगे। मेरी झूठ नहीं बोलूंगा तो तुम्हारे अगले महीने की सैलरी भी नहीं आएगी, समझी? ओ तो ठीक है, लेकिन दो साल से नाड़ी क्यों करते हैं? शादी कर लो सर, वैद्य मैम से बोलो, उनके फादर से मिल लो, शादी कर लो, सिंपल। और क्या कह के मिलवाऊं? के डैडी मीट स्ट्रगलर वीर कपूर, जो आज तक अपने भाई से अपनी और मेरी शादी का झूठ बोलकर पॉकेट मनी लेता रहा है और अब मुझसे शादी करना चाहता है। डोंट वरी माय डार्लिंग, एक बार मेरा बैंड सेट हो जाए सब फिट हो जाएगा, बस लक थोड़ा साथ दे। क्या हुआ रेचल? जानी, ये ट्रैफिक बंद नहीं हो रहा है। डोंट पैनिक, इट्स सो इजी। कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन, संभाल के। आर यू ओके? पर जानवी, ये ट्रेडमिल नहीं सुसाइड मशीन है, इसके सारे बटन्स खराब हैं। पता है मुझे रेचल, जानबूझ के मैंने इसे ठीक नहीं करवाया। बट व्हाई? देखो, रोज तुम 3 किलोमीटर भागती हो। हाँ।
टुडे यू हैव डन 4.7 किलोमीटर्स। हाँ पर और हमारे जिम की एक ही टैगलाइन है, द मोर यू रन द मोर यू लूज। शट अप पिंटू, कम ऑन एवरीवन, डोंट लूज टाइम, लूज वेट, बैक टू द मशीन्स। आई जस्ट कम। सोच क्या रहे हैं सर, ज्वाइन द चोपराज। मैं आपको मेरे बेस्ट फिटनेस ट्रेनर की गारंटी देती हूँ, बस 2 महीनों में। लेकिन देखिए, हमारे जिम की एक ही तो टैगलाइन है, लाइफ इज अ साइकिल, गेट सेट गो। वेरी गुड पीटर, डू इट अगेन, वेरी गुड। मैम, आई एम गोइंग बाय व्हाट यू आर सेइंग, नॉट बाय व्हाट आई सी। इट्स ओके, यू साइन। मैडम, पुली का भी हैंडल टूट गया, इससे पूरे साल की फीस लेना। सेकंड हैंड हैंडल का इंतजाम करो। हाइला, हैंडल भी सेकंड हैंड? मैडम, कितने सेकंड हैंड लगाऊंगा, अब तो मार्केट के लोग भी मुझे सेकंड हैंड के नाम से बुलाने लगे हैं, और तो और मुझे रिश्ते भी सेकंड हैंड लड़कियों के आने लगे हैं। देखो सेकंड हैंड, पिंटू उनकी हेल्प करो, जाओ। प्रेम, प्रेम कहाँ हो तुम? प्रेम कहाँ? तुम्हारे कदमों में जान। प्रेम, तुम्हारी ये पुरखों की आउटडेटेड जिम इज ड्राइविंग मी नट्स। अब क्या हुआ? मैडम, अब तो हैंडल का पुल्ली भी टूट गया। शट अप पिंटू, जाओ यहाँ से। अजीब बात है, ऐसा लगता है मैंने तुमसे नहीं, इस टूटे फूटे जिम से शादी की है। एक भी मशीन ठीक से ऑपरेट नहीं होती, क्या मेरा काम बस यही है टू फूल ऑल माय क्लाइंट्स? बट जानवी, फूलिंग हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। अब चौटाला को देख लो। हाय। बेचारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने अप्रैल फूल का बकरा बनता है। अरे नॉस मिल गया, यही तो एक चीज बची थी फिट करने के लिए। वाओ, कार रेडी हो गई। लुकिंग ऑसम प्रेम। नाइस। एक मिनट वीर, ये नॉस सिलेंडर तुमने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है? आई न्यू इट, तुम हमेशा अपने पैसे इन पे। जानवी, इसकी पॉकेट मनी पे थोड़ा हक प्रेम का भी बनता है ना प्रेम? हाँ, आइडिया तो मैंने दिया था इसके भाई को बोलने का, ये दोनों शादीशुदा हैं। प्रेम, तुम हमेशा। Hey guys! Hey! What's up? Hey guys! Hey वीर! Hey, you got it! मिल गया एम्पलीफायर, वो भी रोलेंड का। Thanks to your pocket money, man. Set up करते हैं and let's jump. Come on. वीर, mark my words. जब तुम्हारी ये पॉकेट मनी का झूठ धर्म भैया को पता चलेगा ना, बहुत बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा जानवी, सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं ये लाई हूँ। वीर, इसे पहनो, दिस इज लकी स्टोन फॉर यू। इसके लिए भी एक स्टोन ले आना। व्हाटएवर। आर यू ओके? One, two, three. Nice tune, guys. लेकिन फायदा क्या? इसके लिए 3 दिन से लिरिक्स नहीं मिल रहे हैं। रोमांटिक लिरिक्स? ये तो मेरे बाएं दिल का काम है। ये लो, कार वाला गीतकार बन रहा है। Time for a reality check, guys. प्रेम ने मुझे ऐसे ही नहीं पटाया, बड़ी चालू चीज है। मैं जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे हाँ हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूँ मैं तुझे हाँ, तू जीने की वजह दिखे तू हर जगह, नजर जाए जहाँ जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूँ मैं तुझे। जो बातों में तेरी
आ गया दिल मेरा जमाना छोड़ के हमेशा के लिए हो गया दिल मेरा तू मेरा प्यार है मेरा दिलदार है तू मेरा है जहां जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता ये लगता है मुझे हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले बता दूँ मैं तुझे शो का एंट्री फॉर्म सबमिट हो गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। ऑसम ब्रो। यस। सॉलिड पहचान है इसकी। थैंक्स ब्रो। चल कॉफी पिला। ओके। यार तुम लोगों के चक्कर में मेरा आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। हट। वीर, औरा ग्रुप का क्रिस भी वहां था यार, संभालना पड़ेगा। तो फिर ये टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हां। छोड़ना, देख लेंगे। तो देख लो। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। पूरी शर्ट खराब कर दी। मुझे मीटिंग में जाना है। तुमको नजर नहीं आता कि हल्दी हो गई है? ए, अंकल, लड़की सॉरी बोल रही है ना? अरे सॉरी बोलने से ये साफ हो जाएगा क्या? वो तो अंधी बोलने से भी साफ नहीं होगा। किसी कुत्ते को लात मार दो फिर उसको सॉरी बोल दो। वाह, आपका मतलब कौन सी ब्रीड सर? व्हाट यू मीन? मैं कुत्ता हूँ? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मुहावरा है ये। तुम्हारे बाप ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया तुमको? लेकिन आपकी माँ ने आपको कपड़े धोना जरूर सिखाया होगा। अरे छोड़ ना यार, ओल्ड जनरेशन का है। अच्छा, और तुम्हारा जनरेशन ये बंच ऑफ फूल, ये बंदरिया, अंग्रेजों के जमाने की बंदरिया की तरह हंस रही है। और ये औरत है कि मर्द पता ही नहीं चलता। और ये मेड इन चाइना 2 दिन में खराब हो जाएगा। इसने गिटार को पकड़ा के गिटार ने इसको पकड़ा, समझ में नहीं आता। और तुम बकरे की दाढ़ी लगाकर घूम रहे हो। तुम लोगों को जंगली लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहिए। And now we're gonna perform for you, क्योंकि आप किसी जंगली से कम नहीं लग रहे हैं। What do you mean? मैं जंगली हूँ? Yes. Hi guys. किसकी खिंचाई हो रही है? ये देखो। Daddy. Moment. वीर, तुमने क्या किया? He's my father. Daddy, मुझे बड़ा अफसोस है। I mean, मुझे बड़ा अफसोस है। I am so sorry, please. Shut up. तुम्हारी इतनी घटिया चॉइस मुझे पता नहीं था। आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ इंसल्ट ही मत कीजिए, गाली भी दीजिए, मारिए, लेकिन माफ कर दीजिए। My God, oh. I can't stand him. But Daddy, I love him. I don't love him. प्रेम, सब गड़बड़ हो गया है, सब गड़बड़। तुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना? तो विद्या के घर जा, धुलाई कर दे। उसके बाप की? नहीं यार, उसके शर्ट की। यार मुझे नहीं लगता वो शर्ट साफ हो सकती है। सॉरी यार, मैं इट्स ओके यार, तुझे कहाँ पता था वो विद्या के डैडी? नहीं, गलती से मैं तेरा ग्लास पी गया, सॉरी। इट्स ओके यार, इट्स ओके। प्रेम, अब अगर मेरी शादी विद्या से ना हुई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, भैया मेरी नाक तोड़ देंगे और फिर हॉस्पिटल छोड़ने भी आ जाएं। बट यू नो व्हाट, आई डिजर्व दिस। प्रेम, स्टेप ब्रदर होते हुए भी उन्होंने मुझे सगे भाई की तरह पाल पोसकर बड़ा किया, हर कदम पे सपोर्ट किया है मुझे। और बदले में मैंने क्या दिया? अपना पॉकेट मनी डबल करने के लिए उन्हीं से झूठ बोला है मैंने।
I feel like a failure, Prem. You know what? I am a failure. I'm a failure. Failure में मैं PhD हूँ. PhD. फटा हुआ ढोल. I understand, यार. लेकिन तेरे से बड़ी डिग्री मेरे पास है. MBA. महा बेकार आदमी. ऐसे ही पैदा हुआ. लोगों ने बोलना शुरू किया कितना नटखट नादान और नंगा बच्चा है. ये सुनकर मेरे बाप ने प्रेम से मेरा नाम प्रेम रख दिया. लेकिन ये भूल गया कि सरनेम चोपड़ा है. प्रेम चोपड़ा? छे? खुद तो ऊपर चला गया, ये छोड़ गया. चोपड़ा इज 1956 खानदानी जिम. इसके चक्कर में बेचारी जान भी फंस गई यार. सारा दिन लगी रहती है, कुछ नहीं बोलती. यू नो वीर, मेरा कार बनाने का रियल कॉन्सेप्ट क्या है बता. कि मैं जानवी की जिंदगी खुशियों से भर दूं. खाली हो गई यार. जिंदगी इतनी भी खाली नहीं प्रेम. नहीं, मैं बोतल की बात कर रहा हूँ. खाली हो गई यार. ओ चलो खाना खाने चलो. क्या बना है? सॉस. चल दिया. चलो गाइस, ग्रेट न्यूज. यू वांट मनी? रेस करना पड़ेगा. क्या चुरा के भागना पड़ेगा? What man? कोलवा में एवरी सैटरडे की लीगल कार रेस होती है, उसमें पार्टिसिपेट करो मैन. 5 का 50 मिलेगा. 50. 50 मिलने के लिए 5 तो लगाने पड़ेंगे. और वो कहाँ से आएंगे? एक आदमी है जो 5 लगाएगा, लेकिन उससे मैंने बहुत उधार लिया है. तेरे को देगा? कौन? टोबू. टोबू? मुझे माफ कर दे टोबू, मैं टाइम पे तेरे पैसा लौटा नहीं पाया. मुझे माफ कर दे टोबू. टोबू बोलता है कोई माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी. सजा? कौन सी सजा? टोबू बोलता है टोबू की बात नहीं सुनी, इसके लिए तेरे कानों को सजा मिलेगी. कानों को? इसके कान काट दो. नहीं टोबू, मेरे कान मत काट टोबू, मैं अंधा हो जाऊंगा टोबू. तेरे कान काटेंगे तो तू अंधा कैसे होगा? नहीं, मेरे कान कट जाएंगे तो चश्मा कैसे लगाऊंगा टोबू? करेक्ट. सॉरी सॉरी, इसके कान काटो. नहीं, मुझे माफ कर दे टोबू. अरे गिटार वाले भाई साहब, तो कुछ कहिए. प्रेम कुछ कर. आओ प्रेम आओ. चल, ये अपना ही मेंबर है. ये दूसरा है ना, म्यूजिक वाला. मैंने आपको बताया था ना, इसका सॉलिड बंगलो है. टोबू जी, टोबू जी, मैं बताता हूँ. फिर से कीजिए प्लीज. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. समझा 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 समझा. रिमिक्स. चुरा लिया. बोलता है ये नाच गाना बंद करो. बोलता है क्या बोलता है? तो वो बोलता है 5 लाख लोगे, वो कब और कैसे लौटाओगे? टोबू जी, बस एक बार इसकी कार रेस में उतर गई ना, तो गारंटीड 5 का 50 हो जाएगा. तो वो बोलता है तुम बाढ़ में जाओ, तुम दो फुंदर के लिए फाइनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि डोबू ऐसे फालतू फर्नीचर घटिया खटारा कार के लिए. तू क्या कर रहा है? अपनी जबान को लगाम दे. चल दिखाता हूँ तुझे. देख देख, स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रिपल हॉर्स पावर नाइट्रो जेट इंजन कॉन्सेप्ट कार. डोबू बोलता है बाकी की गाड़ियां कहाँ है? डोबू
ये सब खूबियां एक ही घड़ी में है रे। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, लोग फॉर्मूला कार बनाते, मैंने कार में फॉर्मूला बनाया। ये देख, नाइट्रो एक्सेलरेशन जूम बटन, इसको दबाते इस गाड़ी की स्पीड तेरी गन की गोली से ज्यादा हो जाएगी। तो ये कार एक मिसाल है और स्पीड में मिसाइल है, इसको रेस में उतार देगा ना तो ये नोट छापने की मशीन है, मशीन। देखा गोली, सुन के तेरा बॉस कैसे एक्साइटमेंट में डांस कर रहा है। सर से लेके पांव, पांव, अरे पांव, अरे हटाओ, अरे हटाओ, अरे हटाओ, नहीं पांव, हटाओ। तो वो बोलता है लोन पास। तेरा ये नाइट्रो बटन चलेगा ना, हमने सारे पैसे लगा दिए प्रेम। अरे ये बटन दबाते ही गाड़ी फाड़ के निकलेगी। क्या बात कर रहा है, तू देखता जा। इस रेस के बाद अपनी रेसेस ऑर्गेनाइज करूं, सब गाड़ियां मेरी डिजाइन की हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की। गुड आइडिया। मैं भी सोच रहा हूं इस रेस के बाद मैं अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोलूं, टी सीरीज की तरह, कॉफी सीरीज। नॉट बैड, नॉट बैड। हां तो वो अपनी गाड़ी तो फर्स्ट पोजीशन पे है। मैंने तुम्हारी तरफ से 5 लाख लगा दिए, आज तो जैकपॉट पक्का। सॉरी, yeah.
क्रिस आगे बढ़ गया है। बटन दबा दबा दबाता हूँ यार। और भी गाड़ी आगे बढ़ गई है फिर। बटन दबा दबा ना। हाँ दबाऊंगा। 5 किलोमीटर बाकी है। बटन दबा प्रेम, बटन दबा। अभी नहीं। 4 किलोमीटर बाकी है प्रेम। बटन दबा दबा। 3 किलोमीटर बाकी है प्रेम। बटन दबा दबा। 1 किलोमीटर बाकी है प्रेम। बटन ओके। ऑल द सच में तेरी गाड़ी फाड़ के निकली। टोपो बोलता है सामान पैक करो। मगर हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे जाना तो पड़ेगा, बंगला जो खाली कर रहा है। क्यों 5 लाख रुपए दे देकर। 5 लाख नहीं 10 लाख। क्यों? अरे तुम्हारा बोल बचन सुन के हमारे टोपो ने भी 5 लाख लगाए तुम्हारे रिस्क पे और हम डूब गए। पैसा तुम्हारा तुमने लगाया, हम क्यों देंगे। टोपो बोलता है लौटाने तो पड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों के हम पीस पीस कर देंगे। पीस पीस करके देंगे। आजकल आजकल जो रिसेशन चल रहा है, आपको हम 5-5 लाख करके देंगे पहला इंस्टॉलमेंट अगले साल। टोपो बोलता है पहला इंस्टॉलमेंट अगले हफ्ते। परम डालो। एक हफ्ता होने आया है और अब तक 5 लाख का इंतजाम नहीं हुआ है। वीर, तुम धर्म भैया को बोलो ना कि 5 लाख पॉकेट मनी एडवांस दे दे। और इस बार क्या झूठ बोलूं कि मैंने 5 बच्चे गोद ले लिए। तू एक काम कर भी, अपनी एक किडनी बेच दे, 2.5 लाख तो मिल ही जाएंगे। फनी क्या मजाक उड़ा रहा है यार तू। आई गिव यू ऑल अ बेटर आइडिया। कल गोवा कार्निवल शुरू हो रहा है, ग्रुप बनाएंगे, भीख मांगेंगे, फॉरेनर्स डॉलर में भीख देंगे। गाइस 5 लाख रुपए मिल गए। क्या बात कर रहा है प्रेम। लेकिन उसके लिए तुझे अपना बंगला छोड़कर मेरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। प्रेम प्लीज बी सीरियस। आई एम नॉट जोकिंग। 5 लाख रुपए डिपॉजिट मिल रहा है, ये घर जो रेंट पे देना है। रेंट? नहीं प्रेम नहीं। अगर भैया को पता चल गया कि मैंने उनका बंगला रेंट पे दे दिया है। 2 साल से तेरी झूठी शादी का तेरे भैया को पता चला। मगर हर महीने वो चौटाला आता है, उसका क्या? अरे तब की तब देखेंगे। यू डोंट वरी, आई एम देयर, जस्ट रिलैक्स। पर वो है कौन? ये क्या है? अपना क्वेश्चन करेक्ट कर, पूछ कौन है। कौन है? रघुनंदन दास गोवर्धन दास वकावले। नाम पूछा, एड्रेस नहीं। आप कुछ लेंगे? ब्लैक कॉफी? कोई दूसरा कलर नहीं है बरखुदा। लो। चूजर्स कैन बी बैगर, मंगा लो। बाय द वे, और कितने लोग रहते हैं सोसाइटी में?
अबे सर ये बंगला है। पानी तो 24 घंटे आता है ना जी, आपको कैसे मालूम? अरे दिखता है यार, टंकी एकदम फुल है। का पिसार है का कोड़ी तिल सर, आई नो दिस फेलो, ये हमारा डोंगा झोपड़पट्टी में रोज बेवड़े भी के गटर में पड़े रहता है। तू इधर क्या करता है? मेरी अब से ये यहाँ रहने वाले हैं। क्या तू इधर सर्वेंट? मेरा पेट पर लात मारेंगे। सर यार घर में झाड़ू पोछा करके गार्ड नहीं बन सकता, कुछ का कोड़ का प्रॉब्लम है, चप्पल से बोल कर के बाहर चला। ये हमारा बंगला रेंट पे लेने आए हैं, ये जी सुपर लॉटरी जीते हैं ये। ट्रेम में डग मिलियनेयर। तो मैं ये रास्ता पक्का समझू? बात मैं रघु भाई वो 5 लाख 2.5 लाख अभी लो, 2.5 लाख गृह प्रवेश के बाद। मेरा क्वेश्चन सही था, ये क्या है? यश जी कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए? ये लीजिए पैक होके। अच्छा जल्दी आ, जल्दी पैक करो, यश जी पहुंच रहा होगा टेम्पो लेके। वाह प्रेम, एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे। राइट, प्रेम के लेटेस्ट आइडिया ने तो वीर का घर ही बदल दिया। इट्स माय फॉल्ट। एक मिनट, ये ले अपना गला काट ले। पागल है क्या? देखा, आइडिया देना मेरा काम है, लेना नहीं लेना तो इसका काम है। मुझ पे उंगली उठाते रहते हो तुम लोग। क्योंकि उंगली तू ही करता है। विद्या, मुझे यहां बहुत काम है, I won't be able to leave. वो अपनी शो के स्पॉन्सर्स के साथ जो मीटिंग है ना, वो तुम अटेंड कर लो ना प्लीज। ओके आई विल। हेलो हाँ, एक मिनट, पिंटू का फोन है। हाँ पिंटू, क्या हुआ? मैडम, जिम का बोर्ड क्लाइंट पे गिर गया। क्या? अच्छा मैं आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे बाप का बोर्ड किसी क्लाइंट पर गिर गया। तुम लोग पैकिंग करो, मैं आती हूँ। विद्या प्लीज मुझे छोड़ दो। यस श्योर कम। अब तुम ये क्या कर रही हो? वास्तु साइंस के हिसाब से फोन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखने से गुड न्यूज मिलती है। What? विद्या, for God's sake, अब प्लीज तुम अपनी ये विद्या अपने पास ही रखो। सॉरी पता नहीं जब देखो। वीर ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम हो के अब विद्या कम जानवी। आई डोंट वांट टू टॉक। विद्या आई वाज जस्ट किडिंग। विद्या मैं मजाक कर रहा था। शट अप वीर, डार्लिंग, गेट लॉस्ट। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गेट लॉस्ट। हेलो हेलो, गेस हू? गेस हू? यहाँ कोई गेस हू नहीं रहता। अरे धर्म धर्म। हाँ धर्म से, मैं हिंदू हूँ। इज दिस 2667712 कपूर्स का घर है? नहीं, ये उनका फोन नंबर है। What the? मैं वीर से जरा बात कर सकता हूँ? वीर के जरा? मैं वीर का भाई धर्म कपूर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन? वीर भैया, what a pleasant surprise. Can you hear me, वीर? Of course I can hear you. Yes, the line is very clear. नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कहाँ आजकल? लॉन्ग डिस्टेंस नहीं वीर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गोवा एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। एक्चुअली सिंगापुर से मैं लुसोटो जा रहा हूँ। टेक्निकल रीजंस की वजह से यहाँ गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, 2 घंटे का होल्ड है, इसलिए मैं मिलने आ रहा हूँ तुझे और स्पेशली विद्या। आओगे जाओगे ट्रैफिक में अटक जाओगे भैया। तो एक ही रास्ता है, तो विद्या को लेकर फॉरन एयरपोर्ट आ जाओगे। कट गया, वो गुस्से में निकल गई है, अब क्या करूंगा मैं? Have you gone mad? तो फोन कर, सॉरी बोल और लेके जा। ले सिंपल। हाय स्वीट हार्ट, हाय डार्लिंग, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? सर सर सर, कोई लुच्चे लफंगे लूज कैरेक्टर लड़के बता, मैं आपको स्वीट है डार्लिंग बोल रहा फोन पे। व्हाट है कुत्ते कमीने साले, ये विद्या का ही फोन है, मैं ही बात कर रहा था। अब क्या करेंगे, फोन छोड़ के गई है। आइडिया, भाई साहब ने विद्या को नहीं देखा ना? नहीं। तो मैरी को विद्या बना के लेके जा। प्रेम ये घर की, she's kind of an आया यार। तो क्या हुआ यार, तूने वो गाना नहीं सुना?
बहरो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। फनी प्रेम, वेरी फनी। धर्म भैया गोवा आ गए हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। व्हाट? धर्म जर गोवा आ गए, इसका मतलब वो घर में भी आएंगे। वैद्य मैम को घर में नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे? तुम पागल क्यों करते हैं? आई से पूछेंगे तो खेज में देगी। वो कुत्ता गोटी इधर क्यों रहते हैं? आई से पूछेंगे तो वो डांसर यू विल गिव। तुम्हारे आई से करने का हिम्मत कैसे हुई? आई से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे सर? इट इज नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम सर। इनके शादी का झूठ पकड़े जाएंगे तो इनके भाई हम सबका बैंड बजा देंगे सर। प्लीज सर, लिसन टू मी सर। All the best, sir. प्रेम, कुछ सोच यार, कुछ सोच, नहीं तो तू और मैं गए। आइडिया बता। मैं गेटअप चेंज करके विद्या बन जाता हूँ। लेकिन मैंने भैया को सीरियसली कहा है कि मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की है। तो तू गेटअप चेंज करके विद्या बन जा। बी सीरियस यार प्रेम। प्रेम कुछ सोच यार, कुछ सोच, दौड़ा अपने दिमाग को। आ गया आ गया। आइडिया? नहीं यार, एयरपोर्ट आ गया। राइट राइट राइट। प्रेम, एक और आइडिया। हम लोग बोलते हैं कि विद्या किडनैप हो गई है और रैंसम में उन लोगों ने 10 लाख रुपए मांगा है। अगर तेरे भाई ने दे दिया तो टोबू का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा यार। किडनैप, रैंसम, ये सब सुनकर भैया फ्लाइट ही छोड़ देंगे और हम दोनों और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इतने थर्ड क्लास आइडियाज दे रहा है, कुछ और नहीं सोच सकता है? सोच नहीं सकता हूँ, देख सकता हूँ। हाँ वो देख। ऑल द बेस्ट। भैया, how are you? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भैया ये मेरा ड्राइवर है? नहीं, एक्चुअली मेरा दोस्त। ड्राइवर को दोस्त बना दिया? I'm so proud of you, वीर। खैर, ये बता कि विद्या कहाँ है? भैया विद्या यहाँ आज। यही कहेगा ना? She's missing, she's been kidnapped. और कोई कहानी बना? मैं जानता हूँ विद्या घर पे है और मुझसे नाराज है। नहीं भैया, भैया नाराज है आपसे? नहीं वीर। हाँ नाराज है मुझसे और होना भी चाहिए। शी इज गॉट ऑल द रीजंस फॉर इट। ना मैं उससे मिला हूँ और बिजनेस के सिलसिले में मैंने तुम दोनों की शादी भी मिस कर दी। नहीं भैया, ऐसी कोई मिस किया आपकी प्रेजेंस को। खैर ये फालतू बातें छोड़ते हैं और वहां जाके कॉफी पीते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। या कम, लेट्स गो। चार घंटे डिले। चार घंटे डिले। चार घंटे डिले। दैट्स ग्रेट न्यूज। कॉफी पीते हैं भैया, कम। नो, हम घर जाके विद्या के साथ कॉफी पियेंगे। हाउ इज दैट? गाड़ी निकालो, मैं सामान लेके आता हूँ। कम ऑन बॉयज, 4 hours डिले, व्हाट लक। सामान लेने गए, तेरी अर्थी का सामान। ये गाड़ी अपने आप आएगी? हाँ? है? मैं लाता हूँ भैया। प्रेम जरा एक मिनट। एक्सक्यूज मी। अगर भैया घर गए, मैं हॉस्पिटल गया। तू तो गाड़ी लेकर आ, मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन मैं उन्हें क्या बोलूँ? अबे जान दे। मम्मी, मम्मी ना बलून। कुची कुची कुची। कितनी प्यारी है। That's the reason I miss India. जी चाहता है इसे गोद में उठाकर किस कर लूँ। गाड़ी इतने टाइम क्या देख रहा है? रोलेक्स है, रोलेक्स, वो भी ओरिजिनल, 24 कैरेट गोल्ड डायमंड स्टडेड, 2.5 लाख की है। वॉचेस डोंट एक्साइट मी। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ हॉट सुपर मॉडल। व्हाट अ पीस। लगता है मार्केट में नहीं आई है, पहले कभी दिखी कैसे नहीं। बम्पर्स छोटे हैं लेकिन हेडलाइट्स अच्छे। आई विश आई कुड राइड हर यार। नाम क्या है तेरा? प्रेम, प्रेम चोपड़ा। फैंटास्टिक।
बहुत सूट करता है। अच्छा एक बात बता, ये घर पे किस लीचड़ ने फोन उठाया? पता नहीं। अरे वीर। हाँ भैया। घर पे किस लीचड़ ने फोन उठाया था? प्रेम ने। एक मिनट एक मिनट, ये रॉयल गिफ्ट है लुशोटो के राजा के लिए, बाकी सामान रखो। We finished. तू टेंशन मत ले। तेरे घर पहुंचने से पहले तेरी वाइफ का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कैसे? अरे मुझ पे छोड़ना, तू जा, ऑल द बेस्ट। अरे वो चोपड़ू नहीं आ रहे क्या? उसे कुछ काम है। आती ही। हेलो। हेलो मैरी। कौन है? प्रेम। प्रेम सर नहीं, वीर सर के साथ बाहर गए। अरे मैं प्रेम बोल रहा हूँ यार। सर आप तो एयरपोर्ट गए थे। तो जो एयरपोर्ट जाता है फोन नहीं करता क्या? सॉरी सर। अच्छा सुनो, जल्दी से साड़ी पहन लो। क्या बनना है? वीर की बीवी। तेरा भैया घर पहुंचते ही होंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट। हेलो सर। सर सोने नहीं मैं। दरवाजा अपने आप खुलेगा ना? सॉरी भैया। वीर सर व्हाट हैपेंड? तुम 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 तेरी मेड है ना? हाँ भैया, आपकी आंखें धोखा थोड़ी खा सकती हैं। सही कहा तूने, विद्या को सामने देखते ही मैं उसे पहचान लूंगा। विद्या। विद्या नहीं, विद्या। भैया एक्चुअली ये रिलैक्स, तेरे घर पहुंचने से पहले तेरी वाइफ का इंतजाम हो जाएगा। एक्चुअली मैं एक्चुअली तुम नाराज हो मुझ पर, और होना भी चाहिए क्योंकि फैमिली से ज्यादा मैंने बिजनेस को प्रायोरिटीज दी है, और इसके लिए आई एम सॉरी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैं विद्या। चौटाला सही कहता है, फैमिली में फैमिली कपूर फैमिली। Actually, I've become a family man. Veer, well done. Thank you, भैया। हाथ से तुम्हारी पॉकेट मनी 2 लाख, just double. Double? 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 क्या हुआ? बहुत बड़ा दिल है तेरा, तूने एक बार भी नहीं सोचा। अरे सोच के तो किया। Anything for a friend. पर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। Not bad, बिना साड़ी के इंप्रेस। भाई साहब और बताइए, बंगला कैसा लगा? अरे वो छोड़िए, विद्या कैसी लगी? बंगला मेरा है और विद्या कैसी लगी ये मैं तुझे क्यों बताऊं? विद्या एक ब्लैक टी लाना प्लीज। अरे विद्या खड़ी क्यों, ब्लैक टी लेके आओ ना। अरे मैं विद्या से बोल रहा हूँ। मैं भी तो विद्या से बोल रहा हूँ। अरे विद्या विद्या। हाँ विद्या विद्या। वीर एक चीज बता, ये कहानियां है क्या? कहाँ देख रहा है, क्या सुन रहा है? ये है मेरी विद्या। मुझे तो ये साला पागल लगता है। धर्म जी बीमारी है, एक बार हाइपर हो जाता है तो गाड़ी की वाइपर की तरह लेफ्ट राइट हिलने लगता है। भैया आई विल हैंडल हिम, ही इज कम डाउन, ही इज कम डाउन। आई गॉट हिम। अरे सब कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैंने मैरी को तेरी वाइफ बनाया था। एग्जैक्टली यार, तेरी वाली मेरी वाइफ बनी है। मैं मेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैरी की बात कर रहा हूँ। हाँ जैसे तू चाहता था, तूने तेरी को मेरी बनाया ना। मैंने फोन पे मेरी वाली मैरी नहीं, आया मैरी, मैं वो मैरी को तेरी वाली बनाया था।
प्रेम अब जैसे है चलने देना। भैया ने जानवी को विद्या समझकर मेरी पॉकेट मनी डबल कर दी है। अब प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। भाड़ में गई तेरी डबल पॉकेट मनी। तेरे भाई का ठरकपन देखा था मैंने एयरपोर्ट पे। साला डबल पॉकेट मनी के चक्कर में डबल बेड लगा देगा। आई कांट रीच माय वाइफ। जानवी हाउ कुड यू, तुमने मुझे हाइपर वाइपर बना। मैं क्या करती, वो आते ही मुझे विद्या समझ बैठे। तो इस गलत फैमिली की गलत फैमिली दूर करनी चाहिए थी ना। मैं करने ही वाली थी कि उन्होंने वीर की पॉकेट मनी डबल कर दी। और वो वीर है तुम्हारा दोस्त और वो उसका भाई धर्म। देखो ये धर्म वीर के चक्कर में मत आओ, ये धर्म सही आदमी नहीं है। अच्छा जब तुम वीर की पॉकेट मनी अपने फालतू एक्सपेरिमेंट्स में खर्च करते हो तब तो वीर तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है। हाँ वो तो ठीक है उसकी वजह से, लेकिन देखो प्रेम वीर ने हमेशा हमारी हेल्प की है। नाउ इट्स आवर टर्न। बस चार ही घंटों की तो बात है। नाउ टेक दिस, टेक दिस टी और उनके साथ प्यार से पेश आना। ओके रिमेंबर वी आर डूइंग दिस फॉर वीर। अब जाओ यहां से, जाओ, गो गो। सर वो सारे आप फोन किए थे, मैं ठीक से सुनी नहीं, क्या बोली थी आप? मैं कह रहा था वो बाहर चाकू पड़ा है ना। हाँ उसे अपना गला काट दो। प्रेम जाओ, वही मेरे गिर गड़ेंगे। वीर एक बात बता। जी। ये चोपड़ू तेरे साथ क्यों रहता है? भैया बताया था ना पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है हवा पानी बदलने के लिए, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहां शिफ्ट हो गया है। मेरी बात सुन, ऐसे ढीले स्क्रू वाले को घर में रखना खतरे से खाली नहीं। भैया ब्लैक टी। वीर ये किसकी फोटो है? ये किसी लड़की की। लड़की की मुझे भी पता है, लेकिन ये है कौन? है कौन मतलब? मतलब मैं धर्म हूं, तू वीर है, ये कौन है? मैं अरे बोलना, गर्लफ्रेंड है। मेरी इसकी मेरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो इस घर में कैसे? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल नहीं सकते? संभाल के रखा था भाई साहब, लेकिन आपने आके सब कुछ हिला दिया। हिला दिया? हैरानी की बात यह है कि तू जैसी की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं हो सकती है, हो सकती है, गलत फहमी किसी को भी हो सकती है। देखिए भाई साहब आप मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट कर रहा हूं? अरे इंसल्ट तो बिचारी का तब हो गया था जब ये तेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। भैया छोड़िए ना। छोड़िए? हाँ छोड़िए। हाँ इसकी गर्लफ्रेंड की फोटो इस घर में हो सकती है और विद्या की फोटो नहीं हो सकती। होगी ना, ना यहाँ के। अरे है ना, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए। वीर इसके वॉलेट में विद्या की फोटो कैसे है? प्रेम तेरे वॉलेट में विद्या की तस्वीर कैसे आई? वीर मेरे वॉलेट में विद्या की तस्वीर कैसे? धर्म जी ये वॉलेट वीर का है, सुबह प्रेम को ब्रेड लाने के लिए भेजा था, वो वॉलेट ले गया। इधर है। क्या? हाँ। तेरे पास ब्रेड लाने के भी पैसे नहीं है, धिक्कार है तुझ पर। धर्म साहब आएगा आएगा, मेरा टाइम भी आएगा। ये देख रहा है, ये रोलेक्स है, रोलेक्स ओरिजिनल। ऐसा टाइम तेरा आ ही नहीं सकता। लेकिन एक बात पता, विद्या की फोटो तेरे धर्म जी गीजर ऑन है, आप नहा लीजिए। अरे नहाइए ना भाई साहब। हाँ नहा लीजिए ना। आइए आइए। ना लेता हूँ, ना लेता हूँ। वीर वीर होली कैसी लगी? होली ये तो बंगला है साहब, बंगला। मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, जरा जल्दी करो ना, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, किसी भी वक्त उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशन ढूंढो, चाइल्ड इज द फादर ऑफ वुमन। ओके सामान उतारू क्या? अभी रुक जा, पहले ये तो लगा लू, RGV रघुनंदन दास गोवर्धन दास वाकवले। वाकवले ए
ए, क्या कर रहा है तू? अबे घर मेरा है, मैं चाहे जो करूं हूं इज यू बे। मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? पुलिस की मार? पुलिस की मार। क्या हुआ भाई साहब? अरे एक इडियट अपना नेम प्लेट लगा रहा था। कहाँ गया भाई साहब वो? ऊपर। अपने से मार डाला? अरे ऊपर का मतलब वहाँ ऊपर ऊपर। प्रेम भाई, तुम जानते हो उसे? नहीं, फॉर्मल हाय हेलो है। हाय हेलो। आप ऊपर क्या कर रहे हैं? दिस मैन हिट मी स्लाइटली। तेरी तो दिस। धर्म साहब चुप। आप अमीर है, इसका मतलब गरीबों पे जुल्म करेंगे? दिस इज नॉट। अरे जुल्म क्या करेंगे? ए क्या नीचे उतर। तेरी तो मैं आपको सब समझा देता हूँ, अब मेरे साथ आइए। प्लीज चलिए। कौन है भैया? ये रघु एक्चुअली पागल है। क्या? हाँ रघु, धर्म भाई साहब पागल है, इसलिए आजकल हम चाय में भी एक्स्ट्रा शुगर डाल के पीते हैं। क्यों? कड़वा सच डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक टाइम रघु इसी इलाके में 6 बंगले का मालिक था। क्रिकेट की बैटिंग की ऐसी लत लगी कि क्या बताऊं। अरे बता ना। तो सुन। क्या? वो क्रिकेट मैच हुआ था ना युवराज वाला। हाँ, 6 बॉल 6 छक्के वाला। भाई साहब ने शर्त लगाई थी कि एक भी छक्का नहीं लगेगा। अच्छा, फिर? फिर क्या, फिरा के वहाँ हर बॉल बाउंड्री के बाहर, और यहाँ रघु का हर एक बंगला जुए का शिकार। और उसके बाद वहाँ ओवर खत्म हुआ और यहाँ इनका पागलपन शुरू। अब तो हर बंगला इनको अपना खोया हुआ बंगला लगता है। सुबह शाम सोते जागते बस बंगला बंगला बंगला। समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बताइए इतना मतलब माइंडफुल आदमी, हेयर देयर एवरीवेयर। भाई साहब कोई खतरा तो नहीं ना? बहुत खतरा है भैया, लेकिन डॉक्टर से कहा है अगर ये इस बंगले के आसपास रहा तो इसका पागलपन कम हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। इसीलिए तो भाई साहब को लोशोटो शिफ्ट कर रहे हैं। 4 घंटे में उनकी फ्लाइट है। लेकिन भाई साहब मैं तो शेखर विद द मूवर पूरा सामान टेम्पो में लेके आ गया हूँ ना। तो हो जा शिफ्ट, रेंटल विद द मेंटल। चल चल चल। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक माय डेंटल। 4 घंटे बाद आराम से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर एवरीथिंग? चल चल, लेटर विद यू कैच अप। ठीक है, ढूंढो। देख भगवान भी क्या गेम खेलता है, इतने लंबे छोड़े आदमी को पागल कर दिया। Where's the packing? Where's the packing? Mary! चिड़े थे क्यों है? क्या शू? शू क्या? Where's the packing? धीरे बात करो। धीरे। अरे टेम्पो लेके आए हम लोग। ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। ये टेम्पो लेके क्यों आए? टेम्पो आपका लगेज एयरपोर्ट पहुंचाना है ना, इसलिए। दो लगेज के लिए एक टेम्पो? तो आपको 2 टेम्पो चाहिए थे भाई साहब। एक्चुअली आपके सामान के साथ साथ ये टीवी स्टीरियो सोफा भी जाएगा ना, वीर आपको खाली हाथ थोड़ी जाने देगा। ये गिफ्ट का आइडिया किसका था वीर? प्रेम का। I knew it. वीर जी। भाई साहब अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो विद्या दे दो, मैं विद्या को ले जाऊंगा अपने साथ। क्यों विद्या, चलोगी मेरे साथ? तेरी तो। बाप का भला समझता है, हाथ लगाता है। What? हटिए भाई साहब, 1 मिनट हटिए। बीच से जा, चल बीच से जा। साले बिन बुलाए मेहमान, बीच में से जा। चल निकल, निकल, get out, निकल। Bloody fools. What? What is this? Go. What is this? Go. Go. अरे जाना। प्रेम, प्रेम, प्रेम चल, प्रेम चल, प्रेम। क्या हुआ ये इडियट को? अनदर पैनिक अटैक। मैं जरा देख के आती हूँ, आप रुकिए। हाँ, एक के बाद एक किसी मॉल में भी इतने लोग नहीं आते जितने तुम्हारे बंगले में। धरम जी को कहीं बाहर लेके जाते हैं शॉपिंग, और सामान भी साथ ले लेते हैं, डायरेक्टली एयरपोर्ट छोड़ देंगे।
लेकिन बाहर ले जाने के लिए उनको मनाएगा कौन? अरे मैं बात नहीं यार, तुम छोड़ो, ये काम मैं करूंगी। आई होप ये वीर तुम्हें तंग नहीं करता। अगर ऐसा कुछ हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे फोन कर देना। इसकी कोई जरूरत नहीं, वीर इज अ गुड हस्बैंड। ए तू आगे देखना। अरे मैं कोई गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ जो आगे देखूं। तू पीछे क्यों देख रहा है? मैं नजर रख रहा हूँ। किस पे? पीछे से आने वाली गाड़ियों पे, कोई ठोक नहीं दे। अरे वो रियर व्यू मिरर है ना। अरे मैं भी तो खाली बैठा हूँ, तो मिरर की क्या जरूरत है? अरे सीधे बैठना, टेंशन क्यों लेता? अरे क्यों बैठूं, इनका ध्यान कौन रखेगा? धर्म जी एक्चुअली प्रेम का आपके साथ इतना अटैचमेंट हो गया है कि वो नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको देख रहा है। ओह माय गॉड, इतनी प्रोटेक्शन तो मेरा दीनदयाल करता है। दीनदयाल कौन है, आपका सिक्योरिटी मैन? नो, मेरा डोबरमैन। प्रेम सामने देख। कॉफी। थैंक यू। प्रेम कॉफी नहीं, डॉक्टर वर्मा ने मना किया है ना? डॉक्टर वर्मा हमारे कॉमन डॉक्टर हैं। यस। हेलो। हाँ रेणुका चाची। हाँ एक मिनट, तुम्हारा फोन है। हेलो। हाँ रेणुका चाची, कैसे हैं आप? वीरो। तुझे कुछ ऑड नहीं लगा? ऑड? क्या भैया? प्रेम के फोन पे विद्या का फोन, ये ऑड नहीं है? भैया फोन पे फोन आ रहे हैं, ऑड तब लगेगा जब फोन पे फैक्स आ जाए। विद्या का फोन तेरे फोन पे क्यों नहीं है? इसमें शायद नेटवर्क। नेटवर्क तो फुल है, फुल नेटवर्क। ये प्रेम का नहीं, वीर का मोबाइल है। आइडेंटिकल सेट है ना, गलती से एक्सचेंज हो गया। ये मेरा मेरा। लुशोटो में अभी मिलिट्री कू की घोषणा कर दी गई है। वहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और वहाँ के राजा बम्बाटा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ के अधिकारियों के बीच जल्द से जल्द। किंग बम्बाटा, लुशोटो का राजा, मेरा दोस्त। It's okay, भैया, I'm sure everything will be fine. अपने आप को संभालिए धर्म जी। विद्या मेरे दोस्त को ऐसा कैसे? hey, छोड़। मेरा मतलब है ये सब छोड़िए, एयरपोर्ट चलते ना। लुशोटो में कर्फ्यू होने के कारण इस आपातकालीन माहौल में लुशोटो जाने वाली सभी फ्लाइट्स को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। इससे कैसे हो गया? अब मैं कैसे जाऊंगा? अब ये कैसे जाएंगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी विद्या, भैया नहीं जाएंगे। भैया आप नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा। प्रेम, भैया नहीं जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि ये मुझे इतना प्यार करता है। चार्टर प्लेन के एक्सपेंसेस की फिकर मत करो सलील। व्हाट, चार्टर प्लेन्स भी नहीं लैंड कर सकते? ये कैसे चलेगा? यू हैव टू डू समथिंग। कॉल अप कैप्टन, कुछ करके लुशोटो पहुंच सकते हैं। हेलो संधू ट्रांसपोर्ट पाजी, भाई रो लुशोटो जा सकते हैं। टोगो बम्बाटा मैं क्विशा कबीसा लुशोटो मिमी नट्टा का कूजा हराका हराका वान्या हराका। ये हराका बराका छोड़ो, रूट मिल गया। दैट्स फैंटास्टिक। मेरी एजेंट से बात हो गई है, 6 बजे कोलवा बीच से फेरी निकलेगी जो इनको ले जाएगी सीधा लुशोटो। जंजीबार आइलैंड, जंजीबार से हेलीकॉप्टर इनको ले जाएगा सीधा लुशोटो। एक मिनट यार, तांगनाका ब्रिज से ट्रेन ले जाएगी इनको सीधा लुशोटो। सबर करो यार, गोरा गोरा क्रेटर से लैंड रोवर ले जाएगी इनको सीधा। अरे बोलो ना लुशोटो। लुशोटो। और ये सब में कितने दिन जाएंगे? हाँ वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 6 दिन लगेंगे। क्या वो भी आज निकले तो? कल निकलेंगे तो 7 दिन। तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन धर्म साहब को क्या प्रॉब्लम है? रोलेक्स वोलेक्स वीर, एक जोशी ने मेरी कुंडली देख के कहा है कि मेरे हाथों से किसी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर होने वाला है। एंड अनफॉर्चुनेटली द विक्टिम इज फ्रॉम गोवा और उसके नाम के इनिशियल्स हैं BC। कौन?
अच्छा प्रियंका चोपड़ा. एक्सक्यूज मी. मेरी धर्म जी कब जाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है. तुम मेरे घर जाओ, मेरे और प्रेम के कुछ कपड़े लेके आओ. ओके जानवी मैम. ओके सॉरी विद द मैम. जानवी मैम. जानवी मैम इज विद द मैम. थैंक्स जानवी. डोंट बी सिली वीर. हेलो. ओए रडियो मिर्च. क्या बोली? जा तेरे दो बॉस लोग को बुला ला. आई बेग योर पार्डन. अरे काय का पार्डन, उनको बोल उनका बाप खड़ा है गार्डन. लिसन, यू गिव रिस्पेक्ट यू टेक रिस्पेक्ट. ठीक है तू मुझे इज्जत दो, मैं तेरी इज्जत लेता हूँ. जब पैदा हुआ तो कैप्सूल था क्या? तू मेरे को जानता नहीं है. मैं खाली सांस लेता हूँ ना तो सामने वाला टपक जाता है. तो अच्छा माउथ फ्रेशनर चूस ना चूजे. तू मेरी ले रहे माफ करो. तेरी तो मैं भैया. गुली भाई, गुली भाई, गुली 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 भाई, गुली भाई. तुम इसे जानते हो? बस फॉर्मल हाय हेलो है. हाय हेलो हेलो हेलो. दो मिनट हम लोग आपके पास आने ही वाले थे. निकलना. ले ले बाकी के ढाई. हम लोग आधे घंटे में आते थे. ये क्या हो रहा है? अरे कौन है? अरे ये लोग मुझे. मैं इंक्वायरी ऑफिसर हूँ, हमेशा मैं ही जवाब देता हूँ. तू बोल. भाई साहब चंदा मांगने आए थे. स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप? हाँ, एक एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. जैसे आईपीएल वैसे जीपीएल. जीपीएल? गोवा प्रीमियर लीग. हाँ. अरे शक्कर से तो ये साला भाई साहब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तेरी लाइब्रेरी में हर बुक ऐसी होती है क्या? सिर में बोल रहे नाक का इंश्योरेंस करा. वहां टोबू ग्लास बजा रहा होगा. बाकी के ढाई लाख आधे घंटे में कैसे देंगे? अरका बराका फराका. चुप बोलता है. टाई किधर है? जीन्स टी शर्ट पे टाई अच्छा नहीं लगेगा. बाई किधर है? काम वाली बाई. सर काम वाली बाई का तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है. वैसे आपको छोटे काम के लिए चाहिए या सारे दिन के लिए? पढ़ाई. कटाई. नान खटाई. खुदाई. ओ दुहाई. அண்ணா சொல்றாரு 2.5 லட்சம் எங்கே? टाबना बोलता है डाई. तो बुझी अब प्लीज हमें थोड़ा वक्त. वेर वेर वेर. ढाई लाख है ना मेरे पास. तूने मुझे बोला क्यों नहीं? है ना मेरा मतलब है पैसे नहीं है लेकिन उसकी जगह एक ऐसी चीज है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. रोलेक्स है रोलेक्स, वो भी ओरिजिनल. ढाई लाख की है. तूने मेरे भाई की घड़ी मार ली. तुझे अपने भाई के हाथ में घड़ी चाहिए क्या? हमारे कंधों पे सर. सर Rolex Original 24 Karat Gold Diamond Studded Waterproof 300 meters. हाँ,
ढाई लाख ताबड़ना बोलता है बाकी का 5 लाख 2 दिन बाद। घड़ी तो दी लेकिन परसों तक बाकी के 5 लाख नहीं दिए। Then we finished। दिमाग दौड़ा। कुछ ना कुछ हो जाएगा। भरोसा रखो ऊपर वाले पे। Why are you so relaxed? मेरी? सेरे। मेरी? सेरे, सेरे, सेरे। मेरी घड़ी देखी है क्या? घड़ी? Rolex के? Yes। Rounded? Yes, yes। Diamond studded? हाँ वही। नहीं देखे। विद्या, तुमने मेरी घड़ी देखी है? नहीं धर्म जी। वीर, मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? भाई साहब, टाइम क्या हुआ? अरे घड़ी गायब है तो टाइम कैसे बताऊंगा? वो तो ठीक है, लेकिन टाइम क्या हुआ? वैसे अगर टाइम देख रहे हो तो मेरे पास घड़ी है। टाइला की नहीं है, लेकिन टाइम वही दिखाती है। जानवी, जानवी, you know what? हमारे शो के लिए स्पॉन्सर्स मिल गए हैं। आप कब आए? बेचारा नहीं भैया, प्रेम की फोटो फ्रेम मेरी जानवी। अगर ये तेरी गर्लफ्रेंड है तो ये वीर को क्यों किस कर रही थी? वीर, ये क्या नाटक है? नाटक नाटक ही तो है। नाटक? एक्चुअली इनका म्यूजिकल ग्रुप एक कल्चरल प्ले कर रहा है 26 जनवरी को, उसी की रिहर्सल के लिए आई है। कहीं भी शुरू हो जाती है, एक्शन तो बोलने दे पगली। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा था कि एक्टिंग कर रही है। मगर भैया वो एक्टिंग ही क्या जो ओरिजिनल ना लगे। आई मीन शी इज सो टैलेंटेड। थैंक गॉड, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। थैंक गॉड आप कुछ और नहीं समझे। अच्छा ये बताओ, ये प्ले का नाम क्या है? तेरी वाली मेरी, मेरी माया, तेरी वाली मेरी। रिहर्सल करते हैं, चल चल। एक मिनट, तेरी वाली मेरी, इतना बेहुदा नाम। 26 जनवरी के दिन पे कुछ पेट्रियोटिक थीम होना चाहिए। लव, सैक्रिफाइस, कंट्री है ना भैया, तीनों चीजें हैं। लव तो आपको नजर आ ही रहा है, कंट्रीज का बाप पीता है, और सैक्रिफाइस तो मैं कर ही रहा हूं ना, मैं प्रोड्यूसर हूं। प्रेड लाने के पैसे नहीं है और प्रोड्यूसर बनने चला है। एनीवे, वीर, स्क्रिप्ट में किस लिखा है और तुमने किस कर दिया? नो लव, नो इमोशंस, बिल्डअप होना चाहिए। भैया मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। हटो, हटो यार। रहने दीजिए भैया। अरे हटो भैया, दिखा 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 भैया, एक्सपीरियंस वाले यार। कम हियर, कम हियर। क्यों क्यों? हमारे शो के लिए स्पॉन्सर्स मिल गए, तुम्हारा हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ओह माय गॉड, क्या बोला? एनीवे जान दो, जानू वो सपना क्या सपना है जो सिर्फ शो के देखा जाए। सपना तो वो होना चाहिए जो नींदे उड़ा दे। देगा वीर, नींदे उड़ा रे, नींदे उड़ा रे। भैया, हाँ क्या है? आपका फोन बज रहा है। किधर है? आपके जेब में। लड़े लो शोटो, लो शोटो, लो शोटो, लो की शोटो में पेंसी वांगो। इस बार भैया ने विद्या के साथ कुछ ज्यादा ही किया। अब समझ में आया जब अपने क्रेडिट कार्ड पे कोई और शॉपिंग करे तो कैसा लगता है। मुझे कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है? अरे अचानक धर्म जी आ गए, उन्होंने मुझे विद्या समझ के पॉकेट मनी डबल कर दी। इन शॉर्ट में मैं आज से विद्या हूँ और तुम जानवी। हाँ। और इससे पहले कि कोई नई प्रॉब्लम हो, जाओ जल्दी जाओ। अरे डोंट वरी, 2 बज गए हैं और वीनस की पोजीशन वर्टिकल हो चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद्या प्लीज, विद्या गो। नमस्ते भाभी जी। कैसे हो मेरे रॉकस्टार वीर? प्रेम भाई, जानवी भाभी, क्या चल रहा है? धर्म साहब किधर है? भैया गए लुशोटो। अरे मगर ऐसे कैसे चले गए बिना किसी प्राइम नोटिस के?
कम से कम बगला चला गया ढूंढू जस्टिल मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई योर ऑनर आई एम ओनर इन द बंगलो समझ लिया है सामान लेके आऊं जस्टिल ढूंढू आप लोग कौन है ये वो प्रेम के दोस्त हाउ डू डू रघुनंदन दास गोवर्धन दास मखौले ढूंढू ढूंढू आई एम ओनर ऑफ बंगलो अबे ये पागलों के डॉक्टर है चकल से तो नहीं दिखते मैं सामान लेके आऊं ढोनू जस्ट चिल अभी तो फ्लाइट में रिज्यूम नहीं हुई मगर ऐसे कैसे धर्म साहब अच्छा वीर मैं चलता हूं नमस्ते नमस्ते अरे चौटाला तुम कब आए अरे अरे साहब जी आप तो घर पे ही हो मगर ये लोग कह रहे कि आप लूटू चले गए ये सारा पागल यहाँ क्या कर रहा है विद्या इधर आओ साहब जी ये तो जाह्नवी भाभी है अरे मेरी तुम भी आओ साहब जी ये तो जाह्नवी भाभी है विद्या भाभी तो ये है साहब जी अरे तू पागल हो गया क्या विद्या तो ये एक पागल को सारे पागल नजर आते हैं All might one might look alike. साहब जी मरने काय घिस रहे हो साहब जी अरे तू अलादीन का चिराग है क्या जो मैं तेरे को घिसूंगा अरे ना ना वेल डन डॉक्टर चिरागुद्दीन अच्छा इलाज कर रहा वेरी ऑन अबे ये डॉक्टर नहीं है इडियट बिल्कुल करेक्ट बरखुदार ये सोफा सोफा नहीं है दरवाजा दरवाजा नहीं है ये पैंट पैंट नहीं है ये अजय देवगन नहीं है ये डॉक्टर डॉक्टर नहीं है एंड यू माइन इट गेट आउट वीर निकालो इसे जानवी इधर आओ ओ साहब जी ये जानवी नहीं है मैं सामान लेके आऊं जस्ट चिल ढूंढ बेटा अरे साहब जी आप पागल होते जा रहे हो के अरे क्या पागल पागल लगा के रखा है चौटाला तभी तो तुम्हें बुलाया है डॉक्टर टेक डॉक्टर अड्डे की पगला वे क्यों प्रेम भाई वीर 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 तेरे से ही बोल रहे हैं आजा नाबालिग कम ऑन निकालो सारे को मुझे एक बात बताओ ये धर्म साहब विद्या को जानवी क्यों कह रहे हैं क्या मिस्टर चौटाला हर महीने की पांचवी तारीख को आप हमसे मिलते हो और फिर भी ऐसा कह रहे हो पांचवी तारीख अरे मैं तो महीने की पहली तारीख को आऊं चौटाला आपको हो क्या गया है अब तारीख में भी गलतियां अरे इसका दिमाग खराब हो गया है और ये है मेरी जानवी दैट्स राइट प्रेम और ये है मेरी विद्या ये मेरी है ये चूजे अभी तेरा कीमा बना देता हूं साले तेरी तो साहब जी ये पागल नहीं हुआ आप पागल हो गए मैं पागल हो गया हूं चौटाला मैंने अपने स्टाफ के चार नाक तोड़े हैं लगता है तेरी बारी है नहीं 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 मैं सामान लेके आऊं ढोंडू जस्ट चिल भाई ओके एक मिनट डॉक्टर से इस तरह बात नहीं करते भाई साहब जस्ट लोग हॉस्पिटल डॉक्टर हूं आप डॉक्टर हैं अरे पूछ रहा है क्या बता रहा है बता रहे हैं ये आपके इलाज के लिए आए हैं आपकी भलाई के लिए जस्ट फॉर योर सेफ्टी पिन मुन्ना साहब जी यही विद्या है मैं माफी कसम खा के कहता हूँ साहब जी अरे वही तो मैं कह रहा हूँ चौटाला यही विद्या है नहीं साहब जी मेरा मतलब है कि चौटाला तुम थके रहे हो मेरा मतलब है थक गए हो तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है समझे छुट्टियां छुट्टियां देखो जैसे फ्लाइट रिज्यूम हो जाए ना मुझे इन्फॉर्म कर दे ओके नाउ ठीक है साहब जी हे गाइस हाय विद्या हाय विद्या हाय 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 बेटी हाय भैया ये है बेटी हमारे बैंड में कीबोर्ड प्लेयर हेलो सर हेलो वीर वी आर गेटिंग लेट फॉर द शो शो आज हमारे बैंड का पहला परफॉर्मेंस है हाँ चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो भैया व्हाई डोंट यू जॉइन अस कम व्हाई नॉट आई वुड लव टू चलें ये रॉक तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट राइट पॉकेट में श्योर सो बी इस रॉक को अपने केस में रखो इससे क्या होगा यू गाइज विल रियली रॉक चेक द एम्स ऑन स्टेज आई डोंट वांट एनी गूफ अप श्योर बेटी कहाँ है वेर जल्दी कर व्हाट्स अप बारी फैंटाबुलस सर दिस इज अ ब्यूटीफुल डिजाइन Beautiful tattoo for a beautiful woman. हलकट की हरकत देख साला टैटू तो ऐसे लगा रहा है जैसे मांग में सिंदूर भर रहा हूँ भाई
गेट रेडी, अगला परफॉर्मेंस तुम लोगों का है। यस वीर, यजदी अभी तक नहीं पहुंचा यार। व्हाट, वेयर इज ही? हैज समवन कॉल्ड हिम? मैंने अभी ट्राई किया था, हिज सेल फोन इज ऑफ। कॉल हिम अगेन। व्हाट हैपेंड गाइस? भैया हमारा ड्रमर यजदी, ही हैजंट शोन अप। यजदी, व्हाट द, क्या हुआ, कैसे हुआ ये? अरे वो ओरा बैंड का क्रिस, वो गाड़ी में थे, मैं बाइक पे था, जान पूछ के ऐसा कट मारा कि आई लॉस्ट माय बैलेंस यार, माय हैंड इज कंप्लीटली गॉन। विदाउट यजदी देयर इज नो परफॉर्मेंस। मैं जाके अनाउंस करता हूं। Guys, I'm afraid we have some bad news. Our drummer has... Na 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 na
Hey, Betty, I warn you. Just cut the crap. एक ऐसा रख के दूंगा ना तेरे को। लड़की पे हाथ उठाएगा, मुझसे बात करना। यस डी बेटा, तेरा हाथ तो टूट गया है। क्रिस, पैर भी तोड़वाएगा क्या? Don't cross your limit. तो तू ही बताना, मेरी लिमिट क्या है? बताना। Hey, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। क्या कर रहे हो? धमकी दे रहे हो या बायोडाटा बता रहे हो? ए जानवी, चल लेकर जा इसको घर पे। जा निकल यहां से, चल। गाइस चिल, वी आर क्रिएटिव पीपल यार, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, कंट्रोल योरसेल्फ, कम ऑन। ए वीर, अपना नाम वीर से बदल कर फट्टू रख ले, फट्टू। अरे देखता क्या है, घर पर जाओ, टुनटुना बजा अपना टुनटुना। ए प्रेम, क्या हुआ? जैसे तेरी गाड़ी फटी वैसे तेरी भी फट गई क्या? क्या आना आना। और सबसे बड़ा फट्टू तुम लोग का मालूम है कौन है? ये वीर का NRI भाई, नॉन रिएक्टिंग इंडियन साल। फैमिली है क्या? क्यों? तेरे को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? क्या कॉमेडी करता है क्या अंकल? हाँ, कॉमेडी तो अभी अभी शुरू की है बेटा, एक्शन में 30 साल से करता आ रहा हूं।
बाप बाहर ही खड़ा है। बाय जानवी। ओके बाय जानवी। एक मिनट इडियट्स, कोई मैनर्स है, कोई एटिकेट्स है? जानवी मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, प्लीज गेट आउट। डैडी। ओह थैंक गॉड यू आर सेफ। इंस्पेक्टर वालिया का फोन आया तो मालूम पड़ा तुम्हारे वहाँ कुछ सीरियस फाइट वाइट हो गई थी। हाँ हुई थी ना, लेकिन ये थे वहाँ पे ऐसी धुलाई की इन्होंने कि एक महीने तक हॉस्पिटल से निकलने का नाम नहीं लेंगे। एंड द क्रेडिट गोज टू मिस्टर धर्म, वीर के बड़े भैया। ओ द फेमस मिस्टर धर्म कपूर सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बेटी को सही सलामत पहुंचा दिया। आप मिल गए जैसे इस अंधे को आंखें मिल गई। आपकी आंखों में मोतिया है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल, एक मुहावरा। यू नो व्हाट डैडी, क्या डांस करते हैं, क्या ड्रम बजाए इन्होंने, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। एनीवेज मैं चेंज करने जाती हूँ, बाय गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट एक मिनट, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, लेकिन आपकी बेटी जिससे शादी करने जा रही है, वो आपके दामाद बनने के लायक नहीं है। ये आप कह रहे हैं? क्या हो रहा है यार? हो ना हो, इनके नाम पे तुम्हारा बिल फट रहा है। लेकिन मेरी बेटी का तो कहना है कि वो एक नहायत शरीफ, अपराइट और डाउन टू अर्थ है। यू आर राइट, डाउन टू अर्थ, हद से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है वो। आपकी बेटी का प्रेम ठीक नहीं है। मेरी बेटी का प्रेम ठीक नहीं है? लेकिन क्या करें साहब, लव इज ब्लाइंड। एक्चुअली आपका नाम सुन के, कपूर्स के खानदान का कनेक्शन समझ के मैंने ये सोचा। आई डोंट ब्लेम यू। देखिए, अगर गधे के पैरों में घोड़े की नाल लगा देना तो गधा घोड़ा नहीं हो जाता। अगर मेरा बस चले ना तो गालियां देकर निकाल दूं अपने घर से इसको, मेरा अपना थोड़ी है। स्टेप ब्रदर। व्हाट? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी मैंने देखा नहीं, ऐसा नेक दिल इंसान आजकल कहां मिलता है सर। वैसे सर, बाय द वे, आपकी शादी? बैचलर। ओ मस्कुलर, पॉपुलर, स्पेक्टेकुलर एंड अ बैचलर, एंड आई कैन आल्सो डांस साला। ये दोनों गले क्यों मिल रहे हैं? रिश्ता पक्का हो गया, मुबारक हो। क्या बात, क्या कर रही बात हो? कर रही हो विद्या, 100% कपूर खानदान की बहू बनेगी। क्या बात, क्या बात कर रही हो? लेकिन छोटे की नहीं, बड़े की। क्या बात कर रही हो? गुड नाइट वीर। गुड नाइट भैया। गुड नाइट विद्या। गुड नाइट भैया, छोड़ो मत। गुड नाइट। ए उधर कहाँ जा रहा है? वो अकेले सोने में डर लगता है। हाँ, मेरे साथ सो जा। कम कम कम। नहीं नहीं, इतना डर भी नहीं लगता है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कम, पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। ए भगवान, मेरे भैया लोशोटो कब जाएंगे? वीर, मैं एक बात सोच रही थी कि अभी तो हमने झूठ बोल दिया, लेकिन जब तुम्हारी शादी विद्या से होगी, धर्म जी को सच्चाई का पता चलेगा ना। क्यों डरा रही हो जानवी, तब की तब देखी जाएगी। गुड नाइट। ये क्या कर रहे है? एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग, गुड फॉर हेल्थ। अभी तो आधी रात है, सुबह होने को टाइम है। आधी रात? टाइम क्या हुआ? आपके पास तो घड़ी नहीं है। गुड नाइट। आता है क्या? नहीं नहीं। हाँ विद्या। वीर, डैडी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या? तू है? प्रेम प्रॉब्लम। क्या? विद्या का फोन आया था, उसकी डैड हॉस्पिटल में, हार्ट प्रॉब्लम हुआ है उनको। ये तो होना ही था। क्या? तेरे भाई साहब ने बड़े मुंह से छोटी बात कर दी होगी। अरे वो छोड़ो, अब क्या करूंगा मैं। अरे भाग हॉस्पिटल। वीर कहाँ जा रहा है, वो भी इतनी रात को? जानवी के फादर हॉस्पिटल में है। क्या बात कर रहे? हाँ। तो फिर इसे जाना चाहिए ना, तू क्यों जा रहा है? भाई साहब, अगर मैं जाऊंगा तो जानवी के फादर मुझे देखेंगे तो हार्ट अटैक में कन्वर्ट इनटू हार्ट फेल। करेक्ट। लाइफ में पहली बार तूने सही बात बोली। वीर यू गो, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, मैं तुरंत तुझे फोन करता हूँ।
घर पर। आजा आजा। गुड नाइट। अरे मीना, मैं कमीना नहीं हूँ। क्या तू हॉस्पिटल पहुंच भी गई? अरे सबर कर मीना, तेरी डिलीवरी होने से पहले मेरे को इधर सामान की डिलीवरी करने दे। हाँ सबर कर। अरे बाबा हाँ, मैं ये तो अगर ये तो माजे भाई, ये तो ढूंढो। टेल योर हाफ बेटर क्या कि जस्ट चिल मीना। हाँ कब तू जाएगा? दादी आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। दादी बातें करो मुझसे, दादी बातें करो मुझसे। इनको गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है। ओह थैंक गॉड, दादी आप बच गए, आप बच गए। मर गया, मैं तेरी वजह से मर जाऊंगा। मेरी वजह से? ये ऑक्सीजन पाइप से तेरा पैर है। सॉरी। अरे विद्या, ये मुझे गीदड़ की मौत मार डालेगा। आपको गीदड़ मत कहिए। अरे मिसाल दी है, एग्जांपल है, मुहावरा है। डॉक्टर, इनका हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है। क्या? We need to shift him to ICU. Get the stretcher. I will see you. What happened? Get out from here. Get out. गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमसे मिलने आया हूँ। अरे विद्या के डैडी को हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, वो होली केयर हॉस्पिटल में। गॉड धर्म जी, तुम आज प्लीज, नो यू डोंट वरी, गो, मैंने हैंडल कर लिया। जाओ। आ रही हूँ। क्या हुआ विद्या, क्यों चिल्ला रही हो? वो हाँ छिपकली। छिपकली? रूम में छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। नो प्रॉब्लम, ऐसा करो तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। नो, आई वॉन्ट हियर अ वर्ड, प्लीज 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 जाइए। धर्म जी गो। धर्म जी देख कौन कौन अंदर जा रहे है, और तू एक है जो घर भाड़े पे लेने के बाद भी बाहर एक टेम्पो वाले के साथ बैठा है। तेरी कोई औकात है कि नहीं? औकात। ये बोम्बा बम करू नको, गरीब के ऊपर काय को चिल्लाता है? अगर इतना हिम्मत है ना तो अंदर जाके देख ना क्या हो रहा है। ओके, आई एंटर एट ओनर रिस्क, पर तू यही रुकना। क्यों? अदरवाइज सांप विल किस। जानवी, वीर, विद्या के फादर कैसे हैं? मुझे देखकर उनकी तबीयत और खराब हो गई। क्या तुम बाहर क्या कर रही हो? प्रेम कहाँ है? मुझे लगा तुम्हारे साथ। मेरे साथ तो नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर प्रेम कहाँ है? प्रेम चोपड़ा नाम है तेरा। So baby, tell me how you feel. क्या हुआ? ये साला प्रेम चोपड़ा, हाँ? विद्या समझकर मुझसे लिपट रहा था। क्या? नहीं, मेरी आंखों पर दोस्ती की पट्टी लगी हुई है। नहीं एक्चुअली इसकी नजर विद्या पे है। भैया ब्लडी रेपिस्ट। धरन जी, ही इज नॉट अ रेपिस्ट, ही वो इसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। हाँ भैया, इसे जो पैनिक अटैक्स आते हैं ना, मतलब ये उनके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए बेचारे को नींद में चल रहा है। अब मैं देखता हूँ जब ये चाकू इसके पेट में घुस के इसकी पीठ से निकलेगा, तब मैं देखता हूँ ये साला स्लीप वॉकिंग कर रहा है या मून। भैया, I knew it. भैया मेरी बात तो सुनो। भैया ये पैनिक अटैक्स के साइड इफेक्ट्स हैं।
गाड़ी को रोका, भगा डोनू, भगा। अरे कब से भगा 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 बोल रहा है, पीछे तो कोई भी नहीं है। वेड़ा करना रहा माला। कोई नहीं है? नहीं तो क्या? ए आज तो क्या है करुण? डोनू। क्या हुआ? जस्ट चिल। ए तेरे चिल का बिल बहुत हो गया। अभी तुम लोगों का नाटक बहुत हो गया। मैं सबको देखता हूँ, उस पागल को भी देखता हूँ, उसकी अभी क्या। मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के। और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है। मैं कह रहा हूँ, कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम, और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम। क्या बकरी है, मैं लगा रखी है। सीधी तरह बात करना, सीधी तरह कहाँ से करो बात। तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। अगर मेरा बच्चा बिन बाप के पैदा हुआ ना तो सब मैं तो सुकुमार के नीचे कुचल डालूंगा। लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। अरे गेट से नाके तक आते जाते मेरे टेम्पो का डीजल खत्म होने को आया। स्टोरी में नया कैरेक्टर कौन आ गया? ये सब उस पागल की वजह से। चिल्ला मत ढोंडू, जस्ट चिल चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बहुत का मरण दिन कमीने। अरे आज तो उस पागल को ए, चुप। ए, क्यों चिल्ला रहे यार? तेरी तुम्हें मैं बोलना। क्या हुआ? हवा निकल गई, जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब, टेम्पो ढोंडू निकाल। रघु मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल चल अंदर जाके चाय पीते हैं। भैया इनके बारे में तो वीरो, पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता है, पागल को समझाना भी होता है। भाई साहब, he is totally mad. क्या? Mad, mad. Look who's talking. मैं आता हूँ। अकेला मत छोड़ो। रघु, कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी दो बार। रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। मेरा या? यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट। देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है, मुझे सुन। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? छोटी सी बात प्रेम भाई, क्या है? टेक इट इजी, टेक इट इजी, मैं तुझे समझाता हूँ। देख, घर की बेटी भी पराई होती है ना, शी हैज टू गो वन डे। इसलिए मैं कहता हूं, कल जो तेरा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल किसी और का होगा, समझा? गलत। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। अरे पागल घनचक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? हट पागल घनचक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है, आगे भी मेरा रहेगा। नहीं नहीं, क्या वो ढूंढो वो बच्चा? अरे भाई साहब, अभी सामान लेके आओ। अरे इस बच्चे को मार रहे तक तुम्हें? ये पहली बार हो रहा है कि मौत हमारी नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो स्टाइल से क्या गाड़ी चला रहा है? एक रुपया नहीं है हमारे पास, उस टोबू को क्या बोलेंगे? अरे मैं हूं ना, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? इसलिए तो टेंशन है। अरे रिलैक्स। तो बुजी प्लीज हमें माफ कीजिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, आप प्लीज हमें एक और। वीर वीर, मुझे बोलने दे। आ तो टोबो, कम कम। पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम हमारे कर्जदार हो जाओगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड।
हट। ये रॉयल गिफ्ट है लुशोटो के राजा के लिए। प्रेम, तूने राजा की गिफ्ट भी मार दी, भैया क्या बोलेंगे? वीर वीर वीर, तुझे राजा के खजाने में ये गिफ्ट देखना है या हमारे कंधों पे? सर प्रेम, सर हीरे मोती दिनार शिनार मिनार पर्ल हार्बर ब्लड डायमंड अशरफिया बर्फिया व्हाट नॉट। प्रेम भाई बोलते हैं पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी एक चीज में हैं। खोलो बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा। तो बोलना बोलता नींबू का अचार है। अब नींबू का अचार कैसे हो सकता है? अरे कोई राजा को गिफ्ट देता है क्या नींबू का अचार? इसमें जरूर डायमंड छुपाए होंगे कसम से बचने के लिए। ये सच कह रहा है, ये मेरे भाई का है। ये नींबू का अचार नहीं है। देखा मैंने बोला था ना, इसमें गाजर और मूली भी है। तो बोलता है अच्छा अच्छा है लेकिन साथ में रोटी होती तो अच्छा था। रोटी बोटी नहीं, तुम्हारा बोटी बोटी कर देगा। तो बन्ना बोलता है दो दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे करोड़ों के बंगले पे हम कब्जा कर लेंगे और इस आचार की गंजी गिलोनी हरकत के लिए आज अभी इसी वक्त सजा जरूर मिलेगी। टोबू तो बहुत कमीना निकला यार, हमारे कपड़े तक ले लिए। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। क्या मेरी बेवकूफी? हाँ। अरे उसने तो 250 रुपए की टी शर्ट और 350 रुपए की पैंट ली है, हम लोगों ने तो 1,00,000 का चूना लगाया है। क्या करो यहाँ पर, सॉरी भागो यहाँ से, भागो। बात पैसे की नहीं तेरे जजमेंट की है, तेरे क्रिएटिव आइडियाज की वजह से मेरी जिंदगी में सॉल्यूशंस कम प्रॉब्लम्स ज्यादा आ गई हैं। तेरे पापा फोटोग्राफर थे क्या? क्यों तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मेरे पास इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज है। अरे भाड़ में जाए तेरे क्रिएटिव आइडियाज। अबे कुत्ते क्यों भौंक रहा है? अरे एक वो धर्म है जो लुशोटो जाने का नाम नहीं लेता, एक वो टोबू है जिसने गोवा में हमारी चड्डी एक्सपोज कर दी, और एक तू भौंक रहा है। अबे कुत्ते गाड़ी के अंदर बैठ के भौंक रहा है, अंदर आके मारूंगा तेरे को, ऐसा मारूंगा कुत्ते साले कमे। भाग वीर भाग, तू भाग उंगली तूने की है। Can you believe it, Mrs. Lobo? आजकल a person known as rapist रंगा आधा नंगा होके ब्यूटीफुल लड़कियों का रेप करता है। ब्यूटीफुल लड़कियों का? Then we must take care, बाबा। Show me. जी। रंगा आधा नंगा, भागो! हेलो सर। प्लीज मैरी, तुम एक लड़की हो यहाँ, एक फैमिली मेंबर जैसी। थैंक यू सर। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज से तुम मेरे बेडरूम में सोगी और मैं तुम्हारे कमरे में। कैसे बोल रहे हैं? ये तो कहना ही था क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम है। व्हाट? आपके मेरे बीच में प्रेम? जर्म सर्वेंट है सर। प्रेम प्रेम प्रेम, अमीरी गरीबी नहीं देखता, कहीं पे भी टूट पड़ता है। इसलिए आज के बाद तुम मेरे बेडरूम में रहोगी। इज दैट क्लियर? हेलो वीर, आज से तेरी पॉकेट मनी तेरे भैया नहीं मेरी देगी। क्या? अपनी मेरी? अब वो अपनी मेरी नहीं रही है,
नौकरानी से रानी बन गई है। आज रात को तेरा ठरकी भैया मेरी के साथ मेरी गो राउंड खेलेगा। मेरे पास तेरी फालतू बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। शौक में बेचारा, इसको तो ये भी नहीं मालूम कि इसने कुछ पहना नहीं है, चेंज क्या करेगा। देखा प्रेम, तुम्हारे थर्ड क्लास आइडियाज का नतीजा, पूरे शहर में आधे नंगे होके छी, और तुमने चोरी भी शुरू कर दी, पहले धर्म जी की वॉच और उसके बाद राजा का रॉयल गिफ्ट। क्या रॉयल, अचार था उसमें। और तुम क्या मुझे सुना रही हो, तुमने ही तो कहा था वी शुड डू दिस फॉर वीर, वी शुड डू दैट फॉर वीर। अब तो जानवी एक कुन्नी नी सेमा प्रेम स्टॉप वीर। अरे वीर क्या हुआ, क्या हुआ भैया? अरे वो प्रेम है ना, विद्या को लेके भाग गया, गाड़ी निकाल। गाड़ी तो वो ले गया। आजा। अरे काय कर तो है, अरे इते भाई ये क्या है? क्या हुआ जानवी को? पता नहीं यार, बात करते करते अचानक बेहोश हो गई। प्रेम प्रेम दिस टाइम यू हैव गॉन टू फार। एक्चुअली भैया विद्या की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए प्रेम। अरे विद्या की तबीयत खराब हो गई तो तुझे बोलता, मुझे बोलता, हाउ डे यू टच हर। कांग्रेचुलेशंस, शी इज प्रेग्नेंट। जमीन भीगा है आसमान, क्यों है ये खामोशियां, जाने क्यों ठहरी सी है जुबान, जाने क्या हो गया मौसम भी है नया, सूखी जमीन भीगा है आसमान, जो पहले थी अब वो नहीं है हवाएं, क्या हो गया है ये कैसे बताएं, पहले थी अब वो नहीं है हवाएं,
सोचा नहीं था आंसू में डूबेगा लम्हा खुशी का, कैसे ये सिलसिले हैं पास फिर भी बहुत फासले हैं, क्यों है ये तन्हाइयां जाने क्यों सुना सा है जहां, दिन जैसे रात है जाने क्या बात है, रूठा हुआ है हमसे ये समा, जो पहले थी अब वो नहीं है हवाएं, क्या हो गया है ये कैसे बताए, पहले थी अब वो नहीं है हवाएं, क्या हो गया है ये कैसे बताए, ऊपर वाले ने एक चीज अच्छी की, दोस्तों को प्राइस टैग लगा के नहीं भेजा, नहीं तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू अफोर्ड यू माय फ्रेंड, बहुत कीमती दोस्त निकला तू। अब जाके तेरी बातों में वजन आया। आई एम सॉरी मैन। किस लिए? तू जानता है आई हैव डिसाइडेड, मैं भैया को जाके सब कुछ बता दूंगा। क्या बोल रहे हो वीर? सही तो कह रहा हूँ जानवी, आई मीन इज इट वर्थ इट, आई मीन मेरा दोस्त मेरी भाभी लाइफ की इंपॉर्टेंट खुशियां नहीं एंजॉय कर सकते? अरे भाड़ में जाए ऐसे पैसे यार। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है इस बार। लेकिन जानवी अब ये झूठ बहुत महंगा पड़ रहा है, और ये जो तुम कर रहे हो ना इसका एहसान मैं कभी नहीं रीपे कर पाऊंगा। एहसान रीपे? दोस्ती की डिक्शनरी में ये सब वर्ड्स नहीं यार। वही तो प्रेम, दोस्ती में एक दूसरे का फायदा देखा जाता है, फायदा उठाया नहीं जाता। वीर वीर इट्स ऑल ओवर, मैं जा रहा हूं। धर्म जी आपको पता चल गया? हाँ, चौटाला ने मुझे सब बताया। हाँ, चौटाला ने जो आपको बताया वीर आपको बताने वाला था। हाँ भैया मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? अरे मेरे लुशोटो की फ्लाइट रिज्यूम हो गई तो इसमें तेरी क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती है इसकी भाई साहब, इसको पता था कि आपकी फ्लाइट रिज्यूम हो गई है लेकिन ये चाहता था कि आप एक दो दिन रुक जाएं। हाउ स्वीट वीर। चौटाला जी देखो कि मुझे टिकट दो तीन दिन के बाद। नहीं 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 नहीं, इनका जाना जरूरी है, अपने इमोशन को रोक लेकिन भैया को मत रोक, लेट हिम गो कंट्रोल। हैव अ सेफ ट्रिप भैया। चलिए साहब जी फ्लाइट का टाइम हो गया। वो तो ठीक है चौटाला, लेकिन वो गिफ्ट के बिना मैं नहीं जा सकता। मेरी सर, तुमने वो गिफ्ट देखा है? वो किंग बैम्बेटेक है। यस, वो ट्रेजर बॉक्स जैसे। हाँ वही वही, वो चोकर शेप। यस यस, नहीं देखे। धर्म जी उस रात वो चोर आया था ना, लगता है वो गिफ्ट आपका वही ले गया। हाँ बहुत महंगा गिफ्ट होगा, डायमंड्स वायमंड्स। एक काम करते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR लिखवाते हैं, चोर को पकड़वाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा लुशोटो जाना बहुत जरूरी है। करेक्ट। धर्म जी एक गिफ्ट गया तो दूसरा यहाँ है, ये लीजिए, इससे सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये लोग अब पहचाना नहीं भाई साहब, चंदा मांगने वाले हैं। ए, क्या है? क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, पूछिए ये कौन है। ये टोबू GPL याद है, GPL का हेड बॉय। गूंगा है बेचारा। टोबू ना बोलता है, 5 लाख कब दोगे? 5 लाख? ए, तू चंदा मांगने आया या हफ्ता मांगने आया? All the best. All the best. All the best. All the best.
बाकी का बात नहीं। जा, 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 हम आते हैं ना। भैया तो वो बोलता है कि तो वो क्रिएट्स वॉर, तो वो बोलता है कि इस थप्पड़ की गूंज, तो वो बोलता है, तो बोलता है, तो बोलता है, गोली, हेलो, हेलो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, हेलो, बिल्कुल, 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 तो वो बोलता है, बाबा, आप MBBS नहीं, आप बाबा है, आपके थप्पड़ में जादू है बाबा, किसी को बहरा बना देते हो, किसी की आवाज ला देते हो, बाबा आप चेकअप कराइए, आप महान है, भगवान है, शक्तिमान है, आप निकोबार अंडमान है बाबा। अरे एक दिन में कितना बोलेगा? जंग लग गया था बाबा, मुझे बोलने दो बाबा, बोलने दो। एक थप्पड़ ने खोली जबान, मैं साला बोलने लगा, मेरे बाबा ने किया है कमाल, ये साला बोलने लगा। तो वो बोलता है, तो वो बोलता है, आपका 5 लाख का लोन मैंने माफ कर दिया। कौन सा लोन? एक्चुअली मुझे बोलने दो बाबा, बाबा फुल टॉक करे मेरे पास, मुझे बोलने दो बाबा, ये दोनों कार रेस की बैटिंग के लिए मेरे पास आए थे, 5 लाख रुपए का लोन लिए थे मुझसे, लेकिन हार गए। अच्छा हो गया ना, आपकी मेरी मुलाकात हो गई बाबा, आपने जो मुझे आवाज की गिफ्ट दी है बाबा, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं बाबा, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ बाबा, बाबा ये मेरी तरफ से रोलेक्स बाबा, ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड और स्टडेड विद डायमंड। बाबा अब ये मत पूछे बाकी की घड़ियां कहाँ है, सारी खूबियां इसी घड़ी में है बाबा। बाबा इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया। लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वीर रोलेक्स, हाउ चीप। चीप सस्ता है बाबा, एक मिनट बाबा, एक मिनट बाबा, ये लो दूसरा रिटर्न गिफ्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, बाटा गिफ्ट। वीर ये रेस का आइडिया किसका था? प्रेम का। और लोन का? प्रेम का, प्रेम का। घड़ी किसने चुराई? प्रेम ने। और राजा का गिफ्ट? प्रेम ने। सारी फसाद की जड़ कौन है? प्रेम। अरे प्रेम, गोलियां जल्दी बचाओ, 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 गोलियां जल्दी बचाओ। ये पत्थर को मारे बे, अरे सामने के मारना तेरी तो मेरे बच्चा। तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है रे, पत्थर को मार रहा है। अबे तू क्या कर रहा है, पत्थर ने गोले चल रहे मेरे। वही तो बोल रहा हूँ, पत्थर को मार रहा है तेरी तो। ये सुबह सुबह पोछा क्या मार रहा है प्रेम? मैरी ये डॉक्टर जमीन क्यों चाट रहा है? भक घर में नई डिसेंट्री। एनी हाउ तुम अपने फ्रूट एंड नट को लुसूटो भेजो या लू में, आई केयर भाखड़ा नंगल डैम बे। मुझे मेरे डिपॉजिट के 2.5 लाख दो, दो और प्रेम भाई अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ पोछा क्यों मारो। प्रेम भाई वो क्या है ना, पानी ओवरहेड हो चुका है, अब जो है ना मुझे इस बंगले में नहीं रहना, मुझे मेरे 2.5 लाख वापस दो। धर्म भैया, अरे उसी धर्म पगले की वजह से तो मुझे यहाँ नहीं रहना। धर्म भैया तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो, तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो,
अरे यार तू क्यों ऐसे बोला जैसे मेरे पीछे वो रेंट का आइडिया किसका था? प्रेम का। बंगले का डिपॉजिट किसने दिया था? प्रेम ने। मुझे पागल किसने बोला? प्रेम ने। मेरे हाथ से मरेगा कौन? अरे पगलू जस्ट माना कि उस दिन रात को मैंने आपको सब सच बता दिया, लेकिन अपने दामाद को मारने के चक्कर में हम सबको उड़ा देते। अरे कैसे उड़ा देते? मैं गोली मारूंगा क्या? मैं तो खुद गोलियां खा खा के जी रहा हूँ। एक मुर्दा क्या किसी की जान लेगा जी? ए मुर्दे, आर यू घोस्ट? अरे हाँ, घोस्ट की बच्ची। मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। मैं तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरी बेटी कब से फोन नहीं उठा रही है। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। मुझे लगा वीर विद्या को भगाकर जबरदस्ती शादी कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? वीर और विद्या की शादी कब की हो चुकी है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विद्या। तू ऐसा नहीं कर सकती विद्या। अरे कहानी है विद्या, ये है ये। अरे मैं इसका बाप हूँ विद्या, ये है मेरी बेटी। धर्म जी, मैं ही विद्या हूँ। ये है विद्या, वीर की गर्लफ्रेंड। व्हाट? तुम एक शादीशुदा की गर्लफ्रेंड हो? नो 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 नो, वीर इज नॉट शादीशुदा। देन हु द हेल इज शादीशुदा? मिस्टर एंड मिसेस प्रेम चोपड़ा। देखा देखा, यह विद्या 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 और यह जानवी जानवी जानवी, और आप मुझे छुट्टियां छुट्टियां मनाने भेज रहे थे, समझा? छुट्टियां। अरे डॉक्टर जस्ट चिल। अबे चिल क्या वीर, ऐसा क्यों किया तूने? भैया पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए। और अब प्लीज मत पूछिए ये झूठी शादी का आइडिया किसका था। किसका था? प्रेम चोपड़ा नाम है तेरा। कब आयो प्रेम? कब क्या क्या? टुटू सानी बरानी। ये कौन है? तेरा भाई है, मुझे पूछ रहा तू? बाबा है जहाँ, चमत्कार है वहाँ। भाभी जी आप यहाँ, आपकी परछाई है वहाँ। भाई बाबा, ये क्या गेम है? उसका थोबड़ा और मिसेस चोपड़ा सेम सेम है। हाँ यार, इसलिए मेरी बीवी के साथ उठू उठू खेलता था। Just chill, मेरे चला, one is मूली, अदर इस करेला। नीरे उना पाना नी नी आपा, हमारी गानी? नी नी को मुसूरी साना, वे उमे सवा हु। मीमी सवाए सहा हु। डुकु बंबाटा खुईशा कबीसा। क्या हुआ? बंबाटा, अरे लुसुटो का राजा है ना बंबाटा, उसकी बहन है ये। अरे मेरे को सवारी आती है। अच्छा, नानी अनी पेगा रेसासी। डुकु बंबाटा रफीकी अना पेगा रिसासी। अरे उसके भाई के आदमी लोग बाहर से गोलियां चला रहे हैं। भैया पे क्यों? मगर क्यों? सबाबु उमेने पा मिम्बा काबिया या कफोनिया अरूसी। क्या हुआ? मीनिंग मीनिंग। बाबा पे गोलियां चला रहे ना, क्योंकि बाबा ने शादी से पहले उसको मिम्बा कर दिया। मिम्बा मीनिंग 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 तमिल में मासमा एरके, तुलु में बंजे नाले, तेलुगु में पोटतो उंदी। अरे हिंदी में बताओ। हिंदी में गर्भवती। मिम्बा मिम्बा, ये बहुत छोटी सी कहानी है। बताओ बाबा। 3 महीने पहले मैं लुसोटो गया था। काली रात थी, काली घाटी के पीछे एक कुटुटू मुझे मिली। अरे ले 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 ले। और इसका काला जादू चल गया। रोज इतनी जोर से बिजली नहीं कड़कती है जैसे उस दिन कड़की थी। फिर क्या हुआ बाबा? उसके बाद वो मिम्बा। वाह भैया वाह, आपका झूठ तो मेरे सारे झूठों का बाप निकला। प्रेम चोपड़ा नाम मुझे सूट करता है। वीर लोशोटो के गांव में 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता होगा तो माँ कहती होगी बेटा सो जा,
नहीं तो तेरा असली बाप आ जाएगा धर्म कपूर। अब पता चला ब्लैक आपका फेवरेट कलर क्यों है, ब्लैक सूटकेस, ब्लैक टी। अरे ठरकी में ठरकी मारे साहब जी, है जी? आई इसलिए एग्री, रात को कमरे में आने सोने के लिए, यू मिम्बे स्क्यूलर पॉपुलर स्पेक्टेकुलर ची वुमनाइजर। विद्या तुम्हारे लिए वीर ठीक है, कम है, उठा के ले जा विद्या को यार। वो आचार की बरनी गर्भवती के लिए भेज रहे थे बाबा। जैसी करनी वैसी बरनी, शेम शेम पप्पी शेम। इस आदमी को तो इसी सोगी माला पाको, माला पाको। गोजा गोजा बाना क्वेंडा, बचा मीमी ना होंगे। नहीं नहीं क्वेंडा, आको ना जिया। मीनिंग मीनिंग कील कील चील। सेमा सेमा बोलो बोलो। टूटा मुआ ये 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 नामा शायद है वाको मुंगयांगो। मीनिंग मीनिंग इसका मतलब है ओ माय गॉड। अरे इसका नहीं, इसका मीनिंग बोल। अरे ये लोग मेरे साथ तुम सबको भी मार डालेंगे। लेकिन क्यों क्यों? ये लुशोटो वाली फाइल तो आपने डाउनलोड की, हम लोग क्यों हैंगो? देखो ये कोई विटनेस नहीं छोड़ते। बाबा मिमी ना खुशिया हरा का फाने हरा का हाई ना बरा का गया तेल बेचने जस चील बे। गोजा एक और शर्ती मोजा पामिला ये तो मीनिंग मीनिंग मीनिंग। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा? मुझे कुटुटू से शादी करनी होगी। तो कर लो ना। ऑल द बेस्ट। ना कुत्ता क्या किला लहरी, ना कुत्ता क्या किला लहरी। मतलब जो है एक मिनट मैं बताता हूँ। बाबा बोलेंगे। इसका मतलब है ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? माफ कीजिए हमने बस बहुत डर लग रहा है। क्या तूने जो भी कर इतनी विद्या को जाने समझ कर माफ। तेरी वाइफ मेरी लो, तेरी वाइफ पे तेरे यारों की तेरे साथ दुआ है। All the best, all the best. Not bad. कब तक गाय की तरह खड़ा रहेगा घर के सामने? हाँ यार प्रेम, दिस टाइम यू गॉन टू फार। धूप मिले और कभी मार्केट के लोग भी मुझे सेकंड हैंड के नाम से बुलाने लगे हैं। और तो और मुझे और दो रास्ते में धूप मिले और कभी बादलों का पहरा है। 24 कैरेट गोल्ड डायमंड स्टडेड यार मेरे बात। अरे सॉरी यार, व्हाट हैपेंड जरा कम दे। इन मौजों में आई हूं मैं। All the best, all the best.
अपनी और मेरी शादी का पॉकेट मनी रख, जो अपने भाई से अपनी शादी और मेरी, जो अपने भाई से अब तक अपनी और मेरी शादी का पॉकेट मनी, जो अपने भाई से अपनी पॉकेट मनी, जो अपने भाई से अब तक अपनी और मेरी शादी का पॉकेट मनी।